हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू तबस्सुम का चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो अभी बज चुके हैं सुबह की 11 11 बजे। तो ये जो व्लॉग है मैं स्टार्ट करने वाली हूँ आज, क्योंकि आज हम निकल रहे हैं बैंगलोर बनरकट्टा के लिए। तो अभी 11 बजे है, मैंने नाश्ता वगैरह सब बना दिया है और हमने घर से ब्रेकफास्ट कर लिया अभी। तो आज हम बनाने जा रहे हैं व्लॉग जो कि बैंगलोर बनरकट्टा का है। तो अभी मुझे ऑलमोस्ट हम लेट हो चुके हैं, लेकिन हम निकल रहे हैं क्योंकि ये जो ओपन होता है वो होता है 10:30 के अराउंड। तो अभी 11 हो चुके हैं, जाने तक तो ऑब्वियसली हमें 12 12 घंटे तो बच जाएंगे। बट जो भी है, अगला व्लॉग जो है मैं आपको वहीं पे बताऊंगी। अभी मैं घर से निकल रही हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं निकल चुकी हूँ घर से। अभी अभी मैंने कार में बैठा है, तो अभी मैं मास्क पहन लेती हूँ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं ऑलमोस्ट वेगा सिटी के पास, जो कि आप देख सकते हो काफी ट्रैफिक है, ट्रैफिक में रुके हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, ये जो कैंपस यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ये IIM का कैंपस है। यहाँ पे 3 इडियट्स की जो मूवी थी वो यहीं पे शूट की गई थी। देखिए, कितना बड़ा है कैंपस, आप देख सकते हो। कॉलेज भी एंट्रेंस में आपको दिखा दूं, एग्जैक्टली एंट्रेंस हम ठीक से देख नहीं पाए, बट यहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, IIM भी। तो हम निकल चुके हैं आगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो ये मीनाक्षी मॉल। तो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डलाने के लिए। देखिए, काफी ज्यादा गर्मी हो रही है इस समय। अब हम निकल रहे हैं, पेट्रोल हम डला चुके हैं और अब हम बाहर की तरफ निकल रहे हैं। ट्रैफिक आप देख सकते हो कि ना सारा है। अब पता नहीं जाते जाते क्या होएगा हमारा, 1 o'clock भी हो सकता है और 5 o'clock क्लोज है बनरकट्टा। जैसे कि मैं बता रही थी कि मैं बनरकट्टा जा रही हूँ, मुझे लगा कि मैं आपको काफी कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँ बनरकट्टा के बारे में, क्योंकि जहाँ तक बनरकट्टा है वो 1971 में इस्टेब्लिश हुआ था। ओके, तो ये जो पार्क है काफ़ी फेमस है, लायन टाइगर सफारी है यहाँ पे, एंड काफ़ी एनिमल्स बर्ड्स के लिए बहुत फेमस है। स्पेशली चिल्ड्रंस आर यू नो फॉन्ड ऑफ द पार्क, एंड दिस इज लोकेटेड इन बैंगलोर कर्नाटका। तो यहाँ की सबसे यू नो फेमस यू नो खासियत जो है, वी हैव ब्यूटिफुल एनिमल्स ओवर हियर, अमेजिंग थिंग्स। पीपल हु कम्स फ्रॉम आउटसाइड, इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू विजिट द पार्क।
एंड मैंने सुना है कि ये पार्क जो है वो काफी बड़ा है, स्पेशली सफारी है यहाँ पे, तो मैं और भी काफी चीजें आपको बताऊंगी इसके बारे में। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहा जाता है कि 2300 ओवरऑल एनिमल्स है एंड 103 स्पीशीज बिलोंगिंग टू द एनिमल्स, ये कहा जाता है। एनिमल्स आर प्रोटेक्टेड एंड नेचुरलाइज्ड इन द पार्क एंड ऑल्सो देर आर वेटिनरी विच इज बीन गिवन विद इन द पार्क फॉर द एनिमल्स, ये भी फैसिलिटी है जानवरों के लिए वेटिनरी की पार्क में, और काफी अच्छे से उनकी देखभाल जो मेंटेनेंस है वो अच्छे से किया जा रहा है। तो शायद इसी वजह से अभी तक बैंगलोर में नेशनल पार्क जो है वो फेमस है। सबसे एक्साइटेड चीज जो है यहाँ पे मुझे बहुत अच्छी लगी कि वी कैन कैरी द फूड फ्रॉम आउटसाइड इनसाइड द पार्क, तो हम कुछ भी कैरी कर सकते हैं, इट इज अलाउड टू कैरी एनी ऑफ योर थिंग्स, व्हाटएवर यू बाय एटेबल्स आर अलाउड इनसाइड द पार्क, तो वो सबसे अच्छी चीज है क्योंकि ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमें पार्क के अंदर से ही खरीद के खाना पड़ेगा, तो वो भी हम लेकर जा सकते हैं। अब थोड़ा ट्रैफिक जो है वो कम लग रहा है, तो अभी आई थिंक ऑलमोस्ट 9 मिनट्स बचे हैं हमें रीच होने के लिए, हम मैप के थ्रू जा रहे हैं। आई एम नॉट श्योर आपको क्लियरली दिख रहा है या नहीं मैप, मुझे रोड जो है काफी अच्छा लग रहा है यहाँ का। जैसे मुझे एक पहाड़ नजर आ रहा है और यहाँ पे लगा है कि बनरकटा नेचर कैंप। ओके, आप आसपास का जो है वो भी देख सकते हो जगह। आई थिंक आप देख सकते हो यहाँ पे काफी सारे शॉप्स है और आई थिंक हम ऑलमोस्ट रीच हो चुके हैं। ये देखिए चारा लेकर जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम पहुंच गए हैं। अभी मैं कार से उतर रही हूँ, काफी ज्यादा धूप है और पार्किंग भी काफी फिल हो चुकी है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखिए वीकेंड है, कितने सारे लोग आए हैं देखिए। ये मैं आपको बता दूं, ये बस स्टैंड है बनरकटा का, जैसे बसेस यहाँ आएंगे लोग यहाँ पे उतरेंगे, और मैं आपको एंट्रेंस बताती हूँ। देख सकते हो सफारी वैन्स जो बाहर खड़ी हुए, हम एंट्रेंस ढूंढ रहे हैं, जैसे मिल जाएगी मैं आपको बता दूंगी। फाइनली हमें पता लग चुका है कि एंट्रेंस कहाँ से होती है, लोग यहाँ पे जा रहे हैं, हम भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। टिकट काउंटर कहाँ है? आज सैटरडे है, आज भी कितने सारे लोग आए हुए हैं यहाँ पर। टिकट काउंटर स्ट्रेट जेंट्स का टॉयलेट बस स्टैंड के अंदर, जेंट्स का टॉयलेट बस स्टैंड है। और वो रहा टिकट काउंटर जो हमें फाइनली मिल चुका है, आप देख सकते हो एक जो है वो कन्नड़ा में है, दूसरा जो है वो इंग्लिश में है। ऑनलाइन टिकट्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये रहा टिकट काउंटर, ये रहे इन्फॉर्मेशन।
तो फ्रेंड्स जैसे कि हमने टिकट्स जो है वो ले ली है यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे मुझे पर हेड जो है वो 350 है, क्योंकि हम सफारी का जो बस ले रहे हैं वो है नॉन एसी, क्योंकि मुझे एसी बिल्कुल सेट नहीं होता है, तो इसलिए 350 पर हेड और 50 रुपीज़ एक्स्ट्रा इसलिए क्योंकि हम जा रहे हैं बटरफ्लाई पार्क। थैंक यू, मैं अंदर जा रही हूँ। तो अभी हम जो है वो एंट्री ले रहे हैं वहाँ पर। टिकट्स जो है वो चेक हो चुकी है। सर सफारी लॉन्ग है, ये जो है नॉर्मल क्यू है, और ये जो क्यू है ये सफारी का है, जो अभी हम अंदर एंटर हुए हैं।